दिल्ली की सभी सीमाओं पर बैठे आंदोलनकारी किसानों का शनिवार को अपने अपने घर की ओर प्रस्थान शुरू हो गया। किसान अपने टेंट उखाड़कर सामान ट्रोलियों में रखकर बॉर्डर से हरियाणा, पंजाब और तमाम अलग अलग शहरों में जाते दिखे। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा दिल्ली के सिंघू बॉर्डर में भी देखने को मिला, जहाँ सिंघू बॉर्डर से हरियाणा और पंजाब की तरफ किसान जाते दिखे। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर और ट्रोलियों में अपना सामान रखकर वहां से निकलते दिखे। यहां पर किसानों को जाने का गम भी देखने को मिला, उनकी आंखों में पानी तक भर आया। उनका कहना था कि यहां के स्थानीय लोगों से उनका ऐसा मेल मिलाप हो गया कि उनका अब जाने का मन भी नहीं कर रहा। साथ ही जो किसान शहीद हुए हैं उन पर भी यहां आंदोलनकारी किसानों ने दुख जताया और कहा कि जाने का उन्हें गम भी है, साथ में उन्हें एक खुशी भी है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार उनको जीत मिली है। बड़ा खुशी का भी माहौल है, बहुत देर से, एक साल हो चुका है, बहुत लंबा समय होता है सड़कों पे गुजारना, ठीक है, और बड़ी खुशी भी है। और कहीं ना कहीं जो टेंट, जो हॉस्पिटल अपने हाथ से लगाए हैं उसको उखाड़ने में दर्द हो रहा है, इमोशनल भी हो रहे हैं। बहुत लंबा समय ज़िंदगी का, कहीं हम स्कूल कॉलेज में कुछ टाइम बिता लेते हैं तब उससे जाना भी एक हमें जो फीलिंग वो होती है, वो फीलिंग हमारी अभी है। जा तो रहे हैं बेटा, पर मन में जो यहाँ के लोकल लोग हैं बहुत प्यार पड़ गया था उनसे, बहुत दीदी बहुत बच्चे यहाँ पे रोए हैं हमारे पास। रात को एक साल हो गया घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। जी तो मोदी को तो हमने डाउन कर दिया है, पर जो इन बच्चों के भाई, इनकी बहनों के भाई, कईयों के खसम घर वाले, वो वापस नहीं लौटा सकते। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली और हरियाणा के बीच आने वाले सिंघू बॉर्डर पर, उसी सिंघू बॉर्डर पर जहां बीते करीब एक साल से ज़्यादा समय से जो किसान हैं वो आंदोलनरत थे। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ यहां इसी जो ये हाईवे है, इसी हाईवे पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूं, मैं आपको बता दूं कि बीते वीरवार यानी 9 तारीख को किसानों ने इस आंदोलन की वापसी की घोषणा की थी, जब केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापसी लेने की बात करी, उसके बाद इस आंदोलन को वापसी लेने का ऐलान किया। ऐसे में आज हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ की रिपोर्ट दिखाने, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने आपको आए हैं, लेकर आए हैं हम कि यहाँ दिखाएं किस तरह का माहौल है। सब टेंट उखड़ रहे हैं, मैं चाहूँगा अपने दिखाऊँगा कि पीछे की तस्वीरें हैं, लोग यहाँ से टेंट उखाड़ कर, जो अस्थाई टेंट थे अब वो धीरे धीरे उखड़ कर लोग अपने घरों की ओर निकल रहे हैं। सड़क को एक बार फिर से पहले की तरह करने की तैयारी है, जैसा एक साल पहले ये सड़क हुआ करती थी, सेम वैसे ही। आपको बता दें कि बीते 2020 25 नवंबर को किसानों ने तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन पर बैठे थे और दिल्ली की सभी सीमाओं पर बैठ गए थे, जिसके कारण न केवल आसपास के लोगों को बल्कि दूर दराज से आवाजाही करने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता था। ऐसे में कई बातचीत का कई दौर चला, लेकिन सरकार और किसानों के बीच कोई बात नहीं बनी। आखिरकार किसानों के संघर्ष के आगे केंद्र सरकार झुकी और केंद्र सरकार ने इस किसान जो कानून है, कृषि कानून है, उनको वापस लेने की घोषणा की, जिसके बाद बीते वीरवार को किसानों ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि अब ये जो आंदोलन है अब ये वापस हो रहा है, ताकि एक बार फिर से लोगों की आवाजाही फिर से हो सके। अब यहाँ ये सड़क एक बार फिर से लोगों के लिए खोली जा रही है, एक बार फिर से पहले की तरह करने की तैयारी है। हालांकि किसानों के जाने के बाद प्रशासन भी अब इसमें लगेगा कि किस तरीके से सड़क को खोला जाए, सड़क को एक बार फिर से पहले की तरह किया जाए, ताकि आम लोगों को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। खैर, अब एक बार फिर से लोगों की आवाजाही के लिए ये सड़क खोल दी जाएगी और अब फिर से ये सड़क पहले की तरह लोग यहाँ से आवाजाही कर सकेंगे। अजीत कुमार, हम वतन टीवी, दिल्ली।